अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज हफ्ते का दिन है और सुबह के इस टाइम तकरीबन 9 बज रहे हैं। आज मैं थोड़ा लेट उठा तो नाश्ता किया और उसके बाद, क्योंकि आज हमने गांव रवाना होना है और आज का सारा व्लॉग तकरीबन गाँव के सफ़र पर ही होगा, तो गाड़ी को कपड़ा लगाया। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, अब उसके टायर धोने हैं, तो गाड़ी के टायर धोकर और फिर अच्छी तरह फ्रेश होकर दोबारा आपसे मुलाकात होती है। सर्विस मुकम्मल कर लेने के बाद अब बारी है गांव के लिए तैयार होने की, तो उसमें सबसे पहले तो यही होगा कि जो वाटर गीज़र है उसका जो सिलेंडर का गैस है वो ख़त्म हो गया, तो सबसे पहले वही भरवाते हैं चल कर। इतनी ठंडी हवा थी जब मैं गया और गैस भरवा कर आया सिलेंडर में, लेकिन वाटर गीज़र फिर भी नहीं चला। जिन लोगों के वाटर गीज़र बाहर लगे होते हैं तो ठंड की वजह से वो अक्सर ख़राब ही रहते हैं, जिसकी वजह से गैस भी ज़ाय होती है और वाटर गीज़र भी नहीं चलते। खैर, अब गांव के लिए तो तैयार होना ही है, तो जो मोटर वाला पानी है फ्रेश, उससे नहाते हैं और उसके बाद फिर तैयारी करते हैं। गाँव जाने के लिए तकरीबन रेडी हो गया हूँ, तो अब बस बाकी घर वाले जैसे ही तैयार होते हैं, आसिम भाई की फैमिली और बाकी लोग, तो गांव के लिए निकलते हैं। हमारा गांव तकरीबन यहाँ से 85 किलोमीटर पर है। सी पैक का जो पहला इंटरचेंज मुल्तान की तरफ उतरता है, ज़ाहिर पीर वाला, उसका नाम गालबन हमीदुद्दीन हाकिम इंटरचेंज है। वहाँ से हमारा गाँव तकरीबन 15 मिनट के फासले पर है, और गांव चलकर आप लोगों को अपना गांव दिखाता हूं और बाकी बात फिर बाद में होती है। लग रहा है, एक अच्छे बाद गांव आए हैं और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेल लिया है। अब तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है और इसके बाद चाय शाय पीते हैं कज़न्स के साथ, और फिर आपको बकिया का जो व्लॉग है और बाकी जो खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर हैं गांव के, वो आपको बाद में दिखाता हूँ। गांव में तकरीबन हम 80 से पहले पहुंच गए थे, तो अभी मगरिब के बाद का वक्त है। गांव में क्योंकि लाइट तो होती नहीं है कि आपको बाहर के कोई मनाजिर दिखाता, यहाँ कमरे में ही सिर्फ लाइट है, तो आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह आप सुबह के और बाकी दिन का जो व्लॉग है वो कल बनाएंगे। आपको आज रास्ते में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी दिखाया, उसके अलावा आपको कुदरती मनाजिर भी दिखाए। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई व्लॉग और वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।